मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना शांति आज की मुरली का सार बाण का मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णो बनना है सच्चे वैष्णो भोजन की प्रेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णो बनना है सच्चे वैष्णो भोजन की प्रेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं प्रश्न कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है सबसे बड़ा अवगुण है मोह मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है जैसे बाबा बंदरी का मिसाल देते हैं किसी का कोई संबंधी मरता है तो बारह मास तक उसे याद करते रहते हैं मुंह ढककर रोते रहेंगे याद आती रहेगी ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात तुम बाप को याद करो तो बाबा कहते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करो तो सौभाग्य ओम शांति बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठो आज उसमें ऐड करते हैं सिर्फ बाप नहीं दूसरा भी समझना है मुख्य बात यह है परम पिता परमात्मा शिव उनको गॉड फादर भी कहते हैं ज्ञान सागर भी है ज्ञान सागर होने कारण टीचर भी है राजयोग सिखलाते हैं ये समझाने से समझेंगे कि सत्य बाप इन्हों को पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिकल बात यह सुनाते हैं वह सबका बाप भी है टीचर भी है सतगति दाता भी हैं और फिर उनको नॉलेजफुल भी कहा जाता है बाप टीचर पति पावन ज्ञान का सागर पहले पहले तो बाप की महिमा करनी चाहिए वह हमको पढ़ा रहे हैं हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्रह्मा की रचना शिव बाबा की और अभी है युग एम ऑब्जेक्ट भी राजयोग की है हमको राय सिखलाते हैं तो टीचर भी सिद्ध हुआ ना और ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए यहाँ बैठे ये पक्का करो बाबा बच्चों को कहते हैं यहाँ बैठे ये पक्का करो हमको क्या क्या समझना है ये अंदर धारणा होनी चाहिए ये तो जानते हैं कोई को जास्ती धारणा होती कोई को कम यहाँ भी जो ज्ञान में जास्ती तीखे जाते हैं उनका नाम होता है पद भी ऊंचा होता है प्रेज भी बाबा बतलाते रहते हैं तुम पूरे वैष्णो बनते हो वैष्णो अर्थात जो वेजिटेरियन होते हैं मांस, आदि नहीं खाते हैं परंतु विकार में तो जाते हैं बाकी वैष्णो बना तो क्या हुआ वैष्णो कुल के कहलाते हैं अर्थात प्याज आदि तमोग चीजें नहीं खाते हैं तुम बच्चे जानते हो तमोगुणी चीज़ें क्या क्या होती हैं कोई अच्छे मनुष्य भी होते जिसको रिलीजियस माइंडेड का वह भक्त कहा जाता सन्यासियों को कहेंगे पवित्र आत्मा और जो दान आदि करते हैं उनको कहेंगे पुण्य आत्मा इससे भी सिद्ध होता है आत्मा ही दान पुण्य करती इसलिए पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा कहा जाता है आत्मा कोई निर्लेप नहीं है ऐसे अच्छे अच्छे अक्षर याद करने चाहिए कि आत्मा के ऊपर पुण्य कैसे चढ़ा पाप कैसे चढ़ा पुण्य कैसे बनी पाप आत्मा कैसे बनी बाबा कहते साधुओं को भी महान आत्मा कहते हैं महान परमात्मा नहीं कहा जाता है तो सर्वव्यापी कहना रोंग है सर्व आत्मा है। जो भी है सब में आत्मा है पढ़े लिखे हैं जो वह सिद्ध कर बतलाते हैं झाड़ में भी आत्मा है कहते हैं चौरासी लाख जोड़िया हैं उसमें भी आत्मा है आत्मा ना होती तो वृद्धि को कैसे होती पाती मनुष्य की जो आत्मा है वह तो जड़ में जा ही नहीं सकती है ना कि जैसा बीज वैसा फल ना शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है इंद्रप्रस्थ से धक्का दिया तो पत्थर बन गया अब बाढ़ समझाते हैं बा बच्चों को कहते हैं दे के संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो माँ में कमा याद करो बस तुम्हारे चिरासी जन्म अब पूरे हुए अब तमो प्रदान से सतो प्रदान बनना है दुख धाम है अपवित्र धाम मुख शांति धाम और सुख धाम है पवित्र धाम ये तो समझते हो सुख दाम में रहने वाले देवताओं के आगे माथा टेकते हैं सिद्ध होता है भारत में नई दुनिया में पवित्र आत्माएं थी तो ऊंच पद पाने वाले थे अब भी गाते है ना मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है भी ऐसे है कोई गुण नहीं है मनुष्यों में मोह भी बहुत होता है ना मरे हुए की भी याद रहती है बुद्धि में आता है ये मेरे बच्चे हैं पति अथवा बच्चा मरे तो उनको याद करते रहते हैं बाबा कहते स्त्री बारह मास तक तो अच्छी थी याद करती है मुंह ढक ढक कर रोती रहती है ऐसे मुंह ढक कर अगर बाप तुम बाप को याद करो तो दिन रात तो बेड़ा पार हो जाए बाप कहते जैसे पति को तुम याद करती रहती हो ना, ऐसे मेरे को भी याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए बाबा युक्तियाँ बताते हैं ऐसे ऐसे करो कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हमें याद नहीं रहती है हम आपकी याद भूल जाते हैं तो बाबा कहते किसी का मित्र संबंधी कहीं चला जाता है जिसके साथ बहुत ज्यादा मोह होता है उसको भी याद करते रहते हैं कोई चीज खो जाती है तो भी उसको याद करते रहते हैं तो बाबा कहते ऐसे अगर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा और भी कर्म भी नाश होंगे पोता मेल देखते हैं आज इतना खर्च किया इतना फ़ायदा हुआ बैलेंस रोज निकालते हैं कोई मास मास निकालते हैं यहाँ तो ये यह बहुत जरूरी है बाप ने बार बार समझाया है बाप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली हजार भाग्यशाली करोड़ पदमा पदम भाग्यशाली पदम अरब खरब भाग्यशाली हो जो बच्चे अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं वह जरूर अच्छी तरह से बाप को याद करते रहेंगे वही गुलाब के फूल बनेंगे ये तो नर्सैल में समझाना होता है बनना तो खुशबूदार फूल ही है ना बाते कांटों के बीच में फूल का जो गुलाब का फूल है वो भी देखो सुगंधित तो फैलाता है और सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो कई बच्चे कहते हैं ना बाबा ये दुनिया गंदी है दुनिया ऐसी है तो बाबा कहते हैं दुनिया में रहते हुए भी कांटों के दुनिया में रहते हुए शीशी दुनिया में रहते हुए गंदी दुनिया में रहते हुए पति दुनिया में रहते हुए आपको क्या फैलानी है अपनी खुशबू फैलानी है मुख्य है याद की बात ने योग अक्षर क्या दिया है लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो पूछो कि मुझे याद करते हो बाप बच्चों को बच्चा बाप को याद है ही ये तो ला ही है उसको थोड़ी कहना पड़ेगा कि आप याद करो आप याद करो आपको मेरी याद आती है नेचुरल याद रहती है बच्चे को बाप की और बाप को बच्चे की याद आती है यहां पूछना पड़ता है क्यों क्योंकि माया बुला देती है यहाँ आते हैं समझते हैं हम बाप के पास जाते हैं तो बाप की याद रहनी चाहिए ना इसलिए बाबा चित्र भी बनाते हैं तो वह भी साथ में हो पहले पहले हमेशा बाप की मैमा शुरू करो अगर कर किसी को समझाते भी हो तो क्या करो सबसे पहले बाप की मैमा करो ये हमारा बाबा है यूं तो सबका बाप है सर्व का दाता है ज्ञान का सागर है नॉलेजफुल है बाबा हमको सृष्टि चक्र के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं जिससे हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं त्रिकालदर्शी इस सृष्टि पर कोई मनुष्य नहीं हो सकता है कोई भी जितने मर्जी साधु सन्यासी गुरु पैगंबर हैं उन्होंने अपने आप को जितना मर्जी वो कह दिया है उपाधि ले लिया है ना श्री श्री पन्नी कितने हजार लेकिन बाबा कहते वो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री नाथ नहीं कहला सकते हैं ये नाथ बन क्या कहलानाथ बाप कहते हैं बाबा कहते बाप कहते ये लक्ष्मीनारायण में त्रिकालदर्शी नहीं है ये त्रिकालदर्शी बन क्या करेंगे तुम बनते हो और बनाते हो इन लक्ष्मी नारायण में ज्ञान होता परंपरा चलता बीच में तो कोई विनाश हो जाता इसलिए परंपरा तो चल ना सके तो बच्चों को इस पढ़ाई का अच्छी रीति सिमरन करना है तुम्हारी भी ऊंच से ऊंच पढ़ाई संगम पर ही होती है तुम याद नहीं करते हो देवी मान में आ जाते हो तो माया थप्पड़ मार देती है सोलह संपूर्ण बनेंगे तब विनाश की भी तैयारी होगी वह और तुम अविनाशी पद के लिए तैयारी कर रहे हो बागे साइंस वाले विनाश के लिए और आप अविनाशी कमाई के लिए बागत कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई नहीं है कौरव और पांडवों की लगती है ड्रामानुसार परिस्तान भी हो गया ना बा कहते ड्रामा सार पाकिस्तान भी हो गया वह भी शुरू तब हुआ जब तुम्हारा जन्म हुआ अब बाप आए हैं तो सब प्रैक्टिकल होना चाहिए यहाँ के लिए कहते हैं रक्त की नदियाँ बहती हैं तब घी घी की नदियाँ बहेंगी अब देखो लड़ते रहते हैं फलाना शहर दो नहीं तो लड़ाई करेंगे यहाँ से पास ना करो ये हमारा रास्ता है अब वह क्या करें स्टीमर कैसे जाएंगे फिर राय करते हैं जरूर राय पूछते रहोगे मदद की उम्मीद मिलती मिली होगी वे आपस में खत्म कर देंगे यहाँ फिर सिविल वार के ड्रामा में नूंद है बा फिर हम बच्चों को बताते हैं कि देखो पाकिस्तान में कितनी लड़ाई लगी है ना फिर बाप आए हैं तो बा कहते हैं, ये तो होना ही है जैसे वो पार्टीशन नहीं हुआ था पहले बाबा वहाँ रहते थे सिंध हैदराबाद कराची में फिर जब पार्टीशन हुआ तो फिर यहाँ पे आए ना आबू में अभी बाप कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत समझदार बनो यहाँ से बाहर घर जाने से फिर भूल नहीं जाओ यहाँ तुम आते हो कमाई जमा करने चाहे बाबा के घर में आते हैं चाहे मधुबन में जाते हैं तो किस लिए आए कमाई करने के लिए छोटे छोटे बच्चों को ले आते हो तो उनको बंधन में रहना पड़ता यहाँ तो ज्ञान सागर के कंठे पर आते हो जितनी कमाई करेंगे उतना अच्छा है इसमें लग जाना चाहिए मधुबन में बाबा के घर में तुम आते ही हो अमनाशी ज्ञान रत्नों की झोली बनने गाते भी नोला ना, नाथ भर दे झोली भक्त तो शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो वह फिर शिव शंकर को एक समझ लेते हैं शिव शंकर महादेव कह देते हैं तो महादेव बड़ा हो जाता है ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत समझने की हैं शंकर कौन है शिव कौन है महादेव कौन है गाते भी है ना भोला नाथ दे झोली कौन सी झोली भरनी है भोलानाथ किसको कहते हैं तुम बच्चों को समझाया जाता है अभी तुम ब्राह्मण हो नॉलेज मिल रही है पढ़ाई से मनुष्य सुधरते हैं चाल चलन भी अच्छी होती है अभी तुम पढ़ते हो जो सबसे जास्ती पढ़ते और पढ़ाते हैं उनके मेहनस भी अच्छे होते हैं तुम कहेंगे सबसे अच्छे बाबा मम्मा के मेहनस हैं ये फिर हो गई बड़ी मम्मा जिसमें प्रवेश कर बच्चों को रचते हैं माता पिता कंबाइन है कितनी गुप्त बातें हैं जैसे तुम पढ़ते वैसे मम्मा भी पढ़ती थी उनको अडॉप्ट किया है सियानी थी तो ड्रामा सा सरस्वती नाम पड़ा ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी है मेला भी लगता है सागर और ब्रह्मपुत्रा का ये बड़ी नदी ठहरी ना माँ भी ठहरी तुम तो मीठे मीठे बच्चों को कितना ऊँच ले जाते हैं बाप तुम बच्चों को ही देखते हैं उनको तो किसी को याद करना नहीं है इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं मुझ आत्मा को तो साक्षी हो नहीं देखना है परंतु बाप के संग में हम भी ऐसे देखता हूँ बाप के साथ रहता तो ना उनका बच्चा हूँ तो साथ में देखता हूँ मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ जैसे कि मैं ये करता हूँ मैं दृष्टि देता हूँ देश आए सब कुछ बोलना होता है बाकी बच्चा और बाप जैसे एक ही हो जाते हैं तो बात समझाते हैं खूब पुरुषार्थ करो बाहते पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनो खूब पुरुषार्थ करो बरबर मम्मा बाबा सबसे ज्यादा सर्विस करते हैं घर में भी माँ बाप बहुत सर्विस करते हैं ना सर्विस करने वाले जरूर ऊंच पद पाएंगे तो फिर फॉलो करना चाहिए जैसे बाप अब कार्यों पर भी उपकार करते ऐसे तुमको भी फॉलो फादर करना है इसका भी अर्थ समझना है बाप कहते हैं मुझे याद करो और किसी का भी नहीं सुनो कोई कुछ बोले सुना अनसुना कर दो तुम मुस्कुराते रहो तो वह आप पे ही ठंडा हो जाएगा बाप ने कहा था कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ बोलो हम क्या करते हैं बोलो तुम उपकार करते हो हम अपकार करते तो हम तुम्हारे पर भी उपकार करते हैं मना तो कोई निंदा चुगली करना वाला हो जो भी कुछ करने वाला हो उसको भी क्या करना है उपकारी पर भी उपकार कर देना वहा कहते कोई कैसा भी हो ना निंदिया कर रहा है चुगली कर रहा है कुछ भी कर रहा है बाप खुद कहते मेरी बाप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे अपकारी हैं मुझे सर्वव्यापी कहकर कितनी गाली देते रहते हैं मैं तो सबका कल्याण ही करता हूँ उपकार ही करता हूँ ना तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले हो तुम ख्याल करो तुम क्या थे अभी क्या बनते हो विश्व के मालिक बनते हो ख्याल ख्वाब में भी था बोतों को घर बैठे शास्त्रकार हुआ परंतु शास्त्रगा से कुछ होता थोड़ी है आज से आज से झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा माना भी कर्म ही नाश तो नहीं हुए ना फिर ये नया देवी झाड़ स्थापन हो रहा है बच्चे जानते हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है सतयुग में देव नहीं रहते हैं सो फिर आने हैं चक्कर फिरता रहता है चिरासी का चक्कर भी वही लेंगे ना फिर दूसरी आत्मा फिर कहाँ से आएंगी ड्रामा में जो भी आत्मा है ना कोई भी पार्ट से छूट ही नहीं सकता है जब आ गए कोई के, बच्चे कहते ना मोक्ष मिल जाए है ना मोक्ष नहीं मिल सकता है ज्योति जो तो समा जाए वो भी नहीं हो सकता है मोक्ष किससे मिलेगा हमें पुरानी जो हमारे संस्कार है स्वभाव है उससे ज्योति जो तो समा ही नहीं सकते हैं ना और बाबा कहते ज्योति जो गए तो दुनिया कैसे बढ़ेगी समा नहीं सकते हैं बाबा हम बच्चों को समझाते हैं आस्ते आस्ते झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा नया दैवी झाड़ स्थापन हो रहा है बच्चे जानते हैं हमारा दैवी फूलों का बगीचा बन रहा है सचयुग में देवता ही रहते हैं फिर आने हैं चक्कर फिरता रहता चिरासी जन्म भी वही लेंगे दूसरी आत्मा फिर कहाँ से आएंगी ड्रामा में जो आत्मा है कोई भी पार से छूर नहीं सकती ये चक्कर फिरता रहता है आत्मा कभी घटती नहीं है छोटी बड़ी होती नहीं होती कल भी बाण मुरली में सारे बताया ना कि आत्मा के बारे में कि शरीर को जितना मर्जी श्रृंगार लो ना लेकिन शरीर की सजावट थोड़े रम समय के लिए और आत्मा क्या है अविनाशी है कहते हैं ना आत्मा अचरम विनाशी है पुण्य आत्मा पाप आत्मा देव आत्मा शरीर के लिए नहीं कहते हैं शरीर के लिए जितना मर्जी सुंदर बना लो लेकिन बाबा कहते वो थोड़े समय के लिए आत्मा को गुणों से श्रृंगारा जा सकता है गुस्सा श्रृंगार तो थो थोड़े समय के लिए और बाबा हम बच्चों का रोज श्रृंगार करते हैं सोलह श्रृंगार करते हैं ना रोज ये हमारा श्रृंगार और बाबा ने कल भी कहा था कि जो माया बिल्ली गुल बुकावली की कहानी बताई थी ना वो आकर के दीवार बुझा देती है तो बा हम बच्चों को फिर समझाते हैं कि माया आएगी दीपक बुझाने के लिए लेकिन क्या करना है बुझने नहीं देना है माया अपने आकर्षण में लाएगी लेकिन हमने आकर्षण में नहीं आना है ना न बैठ मीठे बच्चों को समझाते हैं कहते हैं बच्चे सुखदाई बनो माँ कहती है ना आपस में लड़ो झगड़ो नहीं बेहद का बा भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है वह यात्रा तो जनम जन्मांतर करते आए सन्यासी ने भी यात्रा सिखाई हठ योग योग कितने प्रकार के सन्यासी ने बताया तो कहा यात्रा यात्रा कौन सी है वो भी बताई फिर भी सीढ़ी नीचे उतरते पाप आत्मा बनते गए कहते ना चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हर दम दूर ही रहे किससे दूर रहे परमात्मा से दूर रहे ना नजदीक तो नहीं आए ना बाप कहते ये रूहानी यात्रा अब कौन सी यात्रा करनी है रूहानी यात्रा करनी जिसमानी यात्रा तो बहुत कर ली अलग अलग नामों से भी बुलाया उसको बद्रीनाथ केदारनाथ विश्वनाथ पार्शनाथ कितने नाम बुला दिए उसको अमरनाथ पर भी गए तब तो आ गए थे अब कौन सी यात्रा करनी है रूहानी यात्रा योग भी बहुत प्रकार से कर लिया हठ योग कितने प्रकार का कर लिया लेकिन अब क्या करना है सहज योग तुमको स्मृति लोग में नहीं है उस यात्रा तो लौट कर आते हैं फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं तुम तो जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं स्वर्ग था फिर होगा ये चक्कर फिरना है दुनिया एक ही है, बाकी स्टार्स आदि कोई दुनिया नहीं है ऊपर में ऊपर जाकर देखने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं माथा मारते मारते मौत सामने आ जाएगा ये सब है साइंस ऊपर जाएंगे फिर क्या होगा मौत तो है एक तरफ ऊपर जाकर खोज करते हैं दूसरी तरफ मौत के लिए बम्स बना रहे हैं मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है और कल्पना चावला थे ना जो नीचे उतरते उतरते उसकी होगी ऊपर है ना वो भी तो साइंटिस्ट है ना तब आ गए उसने क्या कमाई की एक तरफ खोज कर रहे हैं और दूसरी तरफ बम्स बना रहे हैं मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है समझती भी कोई है कोई प्रेरक है खुद कहते हैं वर्ल्ड वार जरूर होनी है ये वही महाभारत लड़ाई है अब तुम बच्चे भी जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही कल्याण करेंगे खुदा के बच्चे तो हो ही ना भगवान अपना बच्चा बनाते हैं तो तुम भगवान भगवती बन जाते हो लक्ष्मी नारायण को गोड़ गोडेस कहते हैं ना कृष्ण को गॉड मानते हैं राधे को इतना नहीं है सरस्वती का नाम है राधे का नहीं है कलश पे लक्ष्मी को दिखाते हैं ये भी भूल कर दी है ना, कहते सरस्वती को हर बात बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं ने सरस्वती के भी अनेक नाम रख दिए वे तो तुम ही हो ना देवियों की भी पूजा होती है तो आत्माओं की भी पूजा होती है देवियों को तो कितना सजाते हैं सवारते हैं ना देवियाँ कितनी है सरस्वती दुर्गा काली लक्ष्मी और आत्मा की पूजा होती है जैसे शालिग्राम के साथ छोटे छोटे बना शिव के साथ बनाते हैं ना छोटे छोटे शालिग्राम बाघ हो तुम बच्चों का यादगार पूजा होती है ना आत्मा की देवियों की भी पूजा होती है तो आत्मा की भी पूजा होती है बा बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं भागते मैं नॉलेज फुल हूँ और बच्चों को भी कहता हूँ नॉलेजफुल बाह भागते मैं अपने पास कुछ नहीं रखता हूँ सब कुछ बच्चों को देता हूँ अच्छा मीठे मीठे दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते ओम शांति धारणा के लिए मुख्य सार है जैसे बाप अपकारी अपकारी पर भी उपकार करते ऐसे फालो फादर करना है कोई कुछ बोले तो सुना सुना कर देना है मुस्कुराते रहना एक बाप से सुनना है भी जैसे देखो एक घर में कोई राधा स्वामी एक घर में कोई निराकार निरंकार एक घर में कोई देवी को मानने वाला कोई किसका भक्त है तो सभी अपने अपनी सुनाएंगे ना बाते इसलिए बाबा बता रहे हैं क्या करना है कोई कुछ बोलता भी है गाली भी देता है तो फॉलो फादर करना है कोई कुछ बोले तो सुना सुना कर देना है मुस्कुराते रहना है एक बाप से ही सुनना है कल की मुरली में था ना का जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी तो उतने प्लान भी प्रैक्टिकल में लाएंगे उसमें सफलता मिलेगी सुखदाई बन सबको सुख देना है आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है बाबा कहते मैं देखो कितना कुछ बोलते दुनिया वाले मुझे कितनी गाली देते हैं मेरी गलानी भी करते हैं फिर भी मैं आता हूँ क्योंकि मैं रहम दे लू फिर बच्चों को पावर बनाता हूँ फिर उपकारियों पर भी उपकार करता हूं आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है समझदार बन अपनी झोली अवनाशी ज्ञान आरत्नों से भरपूर करनी है जैसे एक ना, क्या बोलते उसको गिलास ही ले लो आप गिलास के अंदर पानी भरपूर है ना तो कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं अगर थोड़ा कम है तो हिलता डुलता है ना इसलिए बाबा कहते अगर ज्ञान अंदर में भरपूर है ना तो कभी भी लड़ेंगे झगड़े नहीं समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है वरदान दिया बाबा ने शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त भाव। शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भाव। बाप दादा का दिल तक्त इतना प्योर है जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं बैठ सकते हैं जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ, आ जाती है तो वो तख नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करो वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाए माना मन की जो बातें अंदर की शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त अगर मेरे दिल तख्त में बैठना है तो क्या करना है बाप को याद करना है अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाना है वो कैसे बनाना है शुद्ध संकल्पों से अगर आप नेगेटिव कोई बात देख भी लेते हो ना उसको पॉजिटिव में परिवर्तन करना है स्लोगन जहाँ सरस साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही जहाँ सरस साथ हैं वहाँ निर्विघ्न सफलता है ही आए बाबा ने हम बच्चों को कितनी कितनी बातें बताई बाबा कहते अगर सफलता प्राप्त करनी है निर्विघन रहना है तो शक्तियों को साथ रखना है मेन पॉइंट है फिर शुभ संकल्प करने हैं फिर बाबा के उपकारी पर भी उपकार करना है बन सबको सुख देना है लड़ना झगड़ना नहीं है बाबा कहते कृष्ण के बारे में बताया लक्ष्मीनारायण के बारे में बताया फिर बाबा कहते यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के लिए जाते हैं किस लिए जाते हैं कि हमारे पाप धुल जाएं और पाप धुल जाए जन्म जन्मांतर के जो सिर पर पाप हैं वो कैसे धुलेंगे बाप की याद में बाबा कहते जिसमानी यात्रा तो बहुत की अब क्या करना है रूहानी यात्रा कौन सी रूह की फिर बाबा कहते ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता रहता है पहले देखो थोड़े थे भाई बहन फिर धीरे 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 बढ़ते गए अब देखो कितने भाई बहन हैं बाह फिर हम बच्चों को समझाते हैं कोई कैसा भी बोलता है तो आप सुने सुने अनसुनी कर दो है ना मन में वो बात नहीं रखो मन को बिल्कुल क्या करो शुद्ध रखो जैसे बाबा किसी के लिए कोई बात नहीं रखते हैं ना शुद्ध रहते हैं बाप कहते हैं हम दोनों बच्चों को देखते हैं बाप भी देख रहे हैं दादा भी देख रहे हैं ना बच्चों को बाप कहते हैं बच्चों को समझदार बनना चाहिए और मीठी कमाई में लग जाना चाहिए फिर बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनना है नाथ कौन है सिर्फ एक बाप ही लक्ष्मी नारायण को त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे नाथ नहीं कहेंगे है ना तो जैसे लक्ष्मी नारायण की मैम है ना सोलह कला संपूरण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा पर तो बाबा कहते हैं यू तो मैं सबका बाप हूं ना सबको वर्षा देता हूँ बाप बच्चों को बच्चा बाप को याद तो है ही कई बच्चे कहते हैं ना बाबा हमको आपकी याद भूल जाती है भूल जाती है तो बाबा कहते हैं मैं हमेशा बच्चों को याद करता हूँ बच्चे भले मुझे भूल जाए फिर बाबा कहते हैं फिर बाबा ने बताया कि देखो एक स्त्री का मिसाल बताया है ना कि स्त्री देखो अपने पति के पीछे या कोई मित्र संबंधी होगा वो छोड़ के चलाया जाता है तो हम रात दिन बारह मास तक वो रोती रहती है मुंह ढककर रोती रहती है ऐसी मेरी याद हो तो भी कर्म नाश हो जाए ओहो सौभाग्य तब तो आग है खुशबूदार फूल बनना है ना तो बाप हम बच्चों को बाप कहते तुम बच्चे सौभाग्यशाली हजार भाग्यशाली करोड़ भाग्यशाली पदम अरब भाग्यशाली बच्चे हो अगर हैं ये भी याद रहे तो ओहो सौभाग्य जितना हम बाबा की याद में कदम हमारे चलेंगे उतने हमारे पदम बन जाएंगे फिर बाबा कहते हैं तमोग चीजें कौन सी है जैसे कहते हैं ना वैष्णो है वैष्णो है हम वो चीजें नहीं खाते हैं तो हैं ये को विकार में गए तो फिर वैष्णो नहीं है फिर बा कहते हैं बाप टीचर पति बावन ज्ञान का सागर हैं ज्ञान सागर होने का टीचर भी है यो, राजयोग भी सिखलाते हैं बाप हम बच्चों को ऐसी अगर बाप की याद सताए तो दिन रात तुम बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाए जैसे इस तरीका मिसाल बताया बाप कहते कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए कौन सा मोह जैसे बंदरी का मिसाल बताते हैं ना कि बंदरी का जो बच्चा मर भी जाता है ना वो अपने पास ही रखती है हमेशा ही जब तक तक पिंजर, पिंजर नहीं नहीं हो जाएगा ना तब उसको तो आज हम मनुष्य की हालत भी कैसी हो गई है बंदर जैसी है ना बंदर क्या करता है अपने ओ उसके पास चने भी हो गए ना वो हाथ में भी पकड़ लेगा मुख में भी डाल लेगा गले में भी रख लेगा क्रोध भी कितना है लोभ भी कितना है और विकार भी कितना है और हंकार भी कितना है उसको तो बागे मैं तुम बच्चों को आया बंदर से मंदिर लायक -like बनाए तो बाप हम बच्चों को फिर समझाते हैं बच्चे तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है सच्ची वैष्णव भोजन की प्रेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं क्या करना है सच्चा वैष्णव भी बनना है और भोजन करना है और बाबा की याद में और साथ साथ मन वचन कर्म से हमने पवित्र भी रहना है ओम शांति ओम शांति आज हम आत्म अनुभूति के लिए मनन चिंतन करेंगे आत्मा को कैसे हम जागृत करें इस मेडिटेशन को देखने के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो बॉक्स है उस पर क्लिक करें